नमस्कार एंड अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. आप देख रहे हैं गुड इवनिंग इंडिया. स्वच्छता ही सेवा है. स्वच्छ होगा भारत तभी स्वस्थ रहेगा भारत. स्वच्छता एक ऐसी अहम, हम कहेंगे कड़ी है, जिसे न केवल मैं, आप, हम सभी जुड़े हैं. तो स्वच्छता आपके परिवार में, आपके घर में, राज्य में, समाज में, देश में, पूरे विश्व में एक अहम मुद्दा है. तो घर बैठे मेरे भाई बहन, जितने हमारे दर्शक हैं, किस तरीके से हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस दिशा में क्या कर रहे हैं या क्या कर सकते हैं, ऐसी आज दो खास मेहमान हैं मेरे साथ जो बहुत ही अहम कार्य कर रहे हैं. आइए मिलकर स्वागत करते हैं. मेरे साथ है श्री एच वी राजीव, आप है सोशल वर्कर, और श्री गोपाल पहाड़िया जी, आप भी है सोशल वर्कर. पहले तो हमारी ओर से ढेरों शुभकामनाएं कि यू आर डूइंग सच अ नोबल कॉज. तो सब और पूरे परिप्रेक्ष्य में देखिए, यू नो द एंटायर होराइजन, हाउ बिग इज द प्रॉब्लम सर. इंडिया इज चेंजिंग इन every aspect, but we are lagging behind in swachhata because it's a mindset of each citizen of this country. Their participation and their discipline part is the key role to convert that aswachha to swachha vatavaran. So each individual should start from the childhood, the practices of life, from everyday morning to evening, how we should start doing the things whenever we find, when we eat something else, any waste comes, we should put it in a dustbin. Such practices is not with anybody else. So now the keen issue is becoming very headache one for the civic bodies also. So they will collect the waste in the morning, because when they come to street, they collect the waste from the morning. But all individuals, they throw the waste throughout 24 hours. Who can manage the things? Bilkul. It is becoming very hazardous. So that's why Narendra Modi ji called for Andolan on October 2nd, 2014. So many volunteer organizations, they started awareness program in their own places. Ours is HV Rajesh Nehavalaga. We started with handful number of volunteers continuously without a break for a single week, minimum one program abhiyan for a week. Now we completed 243 abhiyans till now. Our motto is to aware all the citizens of this country to part of this andolan and make this country a clean country. तो शायद ये आपकी एक आदत ही बननी चाहिए. और ये आदत कब बनेगी? जब जागरूकता फैलेगी. बहरहाल जागरूकता की बात करें गोपाल जी, आप भी इसी दिशा में जुड़े हुए हैं, आप क्या कहेंगे, क्या रोल आप अदा कर रहे हैं? जहां देश कई दूसरे मामलों में बहुत बड़े बड़े उपलब्धियां हासिल कर रहा है, वहां स्वच्छता में और पर्यावरण के मामले में हम कहीं ना कहीं उतनी ज़्यादा प्रोग्रेसिव नहीं हैं, और कहीं ऐसा नहीं दिख पाता है कि हम बहुत तेज़ी से उसमें आगे बढ़ रहे हैं. ये ज़रा स्लो है. इसका बहुत मूल कारण यह है कि मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूं, राजस्थान से बिलोंग करता हूं, भरतपुर क्षेत्र को मैं रिप्रेजेंट करता हूं. तो देखा है गांव के अंदर भी क्या होता है. एक लोगों में एक अजीब सी ईगो है कई गांवों में, अपना ऊपर का चौबारा सा जैसे होता है, जैसे हम यहाँ बैठे हैं, इसके नीचे डाउन है, तो गाँव की मेन रोड है, उसके ऊपर घर बने हैं, चौबारे बने, उसको साफ करके नीचे डाल देंगे, और नीचे वो गार्बेज जब इकट्ठी हो जाती है उसे उठाने के लिए कोई आगे नहीं आता है. बिल्कुल. सबको कहीं ना कहीं ईगो और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाती है. उसके लिए हमने ये सोचा, मैंने स्टार्ट किया, हमारी एनजीओ के माध्यम से हमने स्टार्ट किया कि हम इन गांवों में एक अवेयरनेस चलाएंगे और हम शुरू करेंगे. मैंने ऐसा लिया, बयाना एक क्षेत्र है विधानसभा का और कस्बा है बहुत बड़ा भरतपुर के अंदर, उसी में भवनपुरा नाम का एक गाँव है, हमने उसे चूज़ किया, वहाँ के सरपंच को लिया, वहाँ के प्रोमिनेंट लोगों को लिया, वहाँ के लोकल लोग लिए, हम लोग अपनी संस्था के लोगों को लेके वॉलंटियर लोग पहुँचे, हम वहाँ शुरू हो गए. हमने एक दिन के अंदर सारा एक बार कीचड़ उठा दिया वहाँ से. हाँ, फिर हमने उनसे उनको कहा, देखो ये गंदगी जो है ये हमें ही नुकसान देती है, इस पर मच्छर मक्खी होते हैं, फिर हमारे बच्चे वही फिर हमारे फूड पर आके बैठते हैं और उसी से फिर हमारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है, हमारे स्वास्थ्य पर प्रॉब्लम होती है, दिखने में भी बुरा लगता है. तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जहाँ एक तरफ हमें इस तरह की शुरुआत करनी है, थोड़ा थोड़ा लोगों में जागरूकता भी लानी है. और सरकार का तो आज की तारीख में मैं इस बात के लिए तारीफ़ करता हूँ सरकार की, कि कम से कम
ऊपर के स्तर से, प्रधानमंत्री के स्तर से स्वच्छता के लिए जो आह्वान और जो आंदोलन के रूप में इसको छेड़ा गया है, इसको हम कहीं ना कहीं कोट कर सकते हैं। हर एक इंसान अगर इसको अपनी जिम्मेदारी समझे, हाँ। जिस तरीके से अपना कमरा अपना घर साफ रखते हैं, तो फिर देश क्यों नहीं। बट यू नो स्टार्टिंग यू नो हैंडफुल ऑफ पीपल एंड नाउ यू हैव सच अ बिग ग्रुप 243 विद इन द सेल्स, यू सेड द कैंपेन ऑफ बॉडी यू नो जस्ट क्रॉसिंग द माइलस्टोन ऑफ 250, सो देयर माइट बी इनिशियल हिकअप्स एंड चैलेंजेस एज वेल कमिंग योर वे। या श्योर, व्हेन वी गो एंड डू दिस अवेयरनेस प्रोग्राम पीपल विल थिंक दैट इट इज फॉर अ शो ओनली, इट इज नॉट विद कंसर्न, so it is for a time being such talks are coming from so many elder citizens and so many responsible citizens, but they didn't do anything, they didn't either, they need neither support the things nor keep quiet, but those things are not hurted us first, but we thought that it is our primary duty as a citizen of this country, one should do, one should start something, by that it spreads to all and everyone will participate. That day we are expecting very shortly. So when it is connected with the development, funding, tourism and health, everything is connected with Swachhata, but nobody knows that. Everybody thinks that it is only a time being this thing. So every time, every day work is Swachhata connected work. But how do you do, you know, you just venture a place, you do your research and development of that place, you call the local people from that place, what is your, what is the plan of action? So many voluntarily availed people, they called us. In our area there is one temple yard is there, there lot of hazard collections is there, some school is there, playground is with so many dirty things, and some government office yard is there. There Swachhata is not maintained well, and public place is there, ground is there, they will inform. We orderly took the, one after one, we announce in WhatsApp group, so from 7 to 9 in every Sunday we are conducting that abhiyan. We go with all the equipments in a single auto with gloves and mask, everything. So when we go there, all volunteers will assemble there, Rotarians assemble there, Lion people assemble there, so many clean Mysore group is there, they joined there, Dharmasthala Sri Shakti group is there, they joined there, Yogasana group is there, they joined there, everybody came to that place, they wear the mask and this thing, and they started voluntarily. We clean up the area. We know that we are not everyday cleaners, we are keeping awareness towards spreading the awareness to all. This makes every citizen's responsibility to fix the things. Absolutely, my right, my space, that's why we say cleanliness is next to godliness. It's about your right and your duty to keep your space clean. तो फिर जब भी हम स्वच्छता की बात करते हैं, सफाई की बात करते हैं, हरियाली इससे जुड़ा हुआ है, यू नो वेर एवर द इज ग्रीनरी ऑफ कोर्स हमें हरियाली का भी अहम ध्यान रखना है. वी ऑलवेज लिसन प्लांट अ ट्री, यू नो, और हम पेड़ उगाए, क्या लगता है उस दिशा में भी आप काम कर रहे हैं? मेरा मानना है आज के परिवेश में पूरे विश्व में स्वच्छता से भी अगर ऊपर कोई अगर ज़रूरत है आज, तो वो पर्यावरण की है, शुद्ध वातावरण की है, और उसके लिए हरियाली को जिस तरह से अनजाने में, ख़ासतौर से हमारे देश में जो काटा पीटी हुई है, जो डिस्टर्बेंसेस हुए हैं, उसके परिणाम बड़े ख़तरनाक उत्तराखंड में जैसे आए हैं, 2-3 हादसे हो चुके हैं, बाकायदा लैंडस्लाइडिंग हो रही हैं, और क्योंकि जब पेड़ कटता है तो ग्रुट भी उसकी मर जाती है, तो जो पकड़ थी धरती में पहाड़ों पर वो ख़त्म हो रही है, साथ साथ जलवायु का जो स्तर है वो बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा है और दूषित होता जा रहा है. तो ये भी एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है. जो जो ये समझता जा रहा है कि जीवन का बहुत बड़ा सार वायु पर है और वातावरण पर है, उसको ये समझ आ रही है धीरे धीरे. जो भी पर्यटक आता है, अगर कश्मीर भी भारतीय और बाहर के लोग जाना चाहते हैं, तो वहाँ का जो नेचर है, जो ब्यूटी ऑफ नेचर है, जो पर्यावरण, जो वहाँ सुंदरता है, उसी को देखने जाता है. हमारे राजस्थान में तो प्लेंटी ऑफ प्लेसेस विच कैन बी सीन, और उसमें कहीं ना कहीं अगर ये पेड़ पौधों का भी और जुड़ाव लग जाएगा तो सोने में सुहागा हो जाएगा. You said that you travel in one vehicle going there with all the equipments. How about the support system from the people around? They are supporting well, and we organize ourselves all finance and all, because so many friends of us, they donate gloves, so many things and all.
we contribute from our earnings. So our motto is, when we depends on money from other sides, we cannot do continuously. First, self-motivated, self-putting the money. By doing this, we will do this continuously, because this is a problem with modern scientific developed problem. This is because in nature it has its own cycle. Everything will be in the cycle. So what is the problem with the nowadays problem? It is a plastic problem, medical waste problem, electronic waste problem. These are not coming under recycling. This everything non-biodegradable, not in a line, fall in line. So we are not keeping the things in a perfect way. So that's why this problem becoming headache for the civic bodies, government, and beautiness of the city, and connected with health, everything. So each individual should start doing the things from their home. So that's how. How? You know, we'll start with the basic tips. Yeah. For example, there might be many viewers are watching this. Aapke rasoi mein, you know, there's a lot of garbage for that matter. First garbage is jo aapka fruits and vegetables. Second would be the non-biodegradable, the solid waste. Yeah. We should segregate in our home dry waste and wet waste. And we should give wet waste every day to the people who coming for collection. And with, in a week, one time, we should give dry waste. Segregate in the home, it is easy to do the things in the cities like any population, maybe 4-5 lakhs population, maybe 10 lakh population, maybe 1 crore population. So otherwise, it cannot be solved without the participation of each individual in their home. So we should change our mindset. That's why these things should be taught in the schools. It should inculcate it from the kids. They are the people who are talking in the home to the parents, no, this is right, this is wrong. If you give one chocolate to a child, after eating that, it won't throw it anywhere like the elderly people like us. So now it has started, but it needs 2 decades to come to the true level. So that's why it should change through media, it should change through mindset. Cool. And you know, you're talking about the management of the waste. Yes. This year, World Habitats Day also says the same theme, the management of the solid waste, which very clearly mentioned. Bahut hi aasan hai, dry waste aur wet waste ko alag alag karke uska theek tarike se nidan pana. Mera hal jab hum journey ki baat karte hain, ek paude se vriksh ki journey, a journey from plant to a tree, bahut lambi journey rehti hai. Kya kahenge, bahut mushkil hai kya har pauda vriksh ban pata hai? नहीं, दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये, दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हो पाता है. मैं यहाँ कहना चाहूँगा विशेष तौर से, मैं स्पेशली लाइक टू कोट इट, कि सरकार में, केंद्र सरकार में और राज्य सरकारों में बहुत बड़ा प्रावधान है वृक्षारोपण का. हर वर्ष है, इसका बाकायदा एक मंत्रालय है. और इसके बावजूद भी कभी अगर हम इस बात को देखें कि इस साल के बजट में कितना प्रावधान था, कितने पेड़ लगाए, कितने का आपको सर्टिफिकेशन हुआ, कितने की शाबाशी जिले के हिसाब से किसी को 1, 2, 3 पर मिली, और कितने बाद में वृक्ष बन पाए, या उसकी 6 महीने बाद कितने हैं जो जीवित हैं, ये अगर देखें तो सर्वाइवल 10% या 15% या 20% हार्डली हो सकता है. बहुत मुश्किल है ओवरऑल. तो यहाँ भी एक मैं कहना चाहूँगा, और मैं अपील भी करना चाहूँगा, और मैं सरकार को भी ध्यान दिलाना चाहूँगा इस तरफ, कि कोई ऐसा इस पर चेक रखें, कोई ऐसा ज़रूर प्रावधान रखें कि जिनको हम जिन प्लांटों को लगा रहे हैं वो वृक्ष बने, ज़रूर अवश्य बने. 10-20% का तो वो हो सकता है, लेकिन उल्टा हो रहा है. 70-80% वेस्ट होता है, हार्डली 20% सर्वाइवल. जबकि हम जो लोग एनजीओज करते हैं, हम जो कर रहे हैं, हम इंश्योर करते हैं कि अगर हम 100 लगा रहे हैं तो हमारा 90 तो जो पौधा है वो पेड़ की ओर जरूर अग्रसर. बिल्कुल, बिल्कुल. ये मैं एक इस बात में सलाह के रूप में और इसका आग्रह के रूप में कहना चाहूँगा. स्वच्छता पे और पर्यावरण पे, दोनों पे मेरी एक और एक मेरा एक सुझाव है. प्राइमरी स्कूल्स में, विलेजेस में जो स्कूल है, वहाँ पे ये मैंडेटरी हो कि बच्चे को शुरू से सफाई करके बैठना, साफ वो करना, और अपने जो भी उसका चीज़ें हैं उनको जाके डस्टबिन में डालना, और पेड़ के प्रति संवेदनशील होना. क्योंकि कई बार बच्चों को भी इस बात की परवाह होती है, वो लगे हुए पेड़ों को बच्चे ही उखाड़ देते हैं. बिल्कुल, बहुत अहम बात. यू स्पोक अबाउट रियली इंपॉर्टेंट, मैंडेटरी होना चाहिए. एब्सोल्युटली, एज यू सेड, द यंग माइंड्स हैव टू बी कॉट, एंड राइट एट द स्कूलिंग एज. सो आर यू केटरिंग टू वेरियस स्कूल्स एज वेल? या, वी आर कंडक्टिंग सो मेनी मैराथॉन्स, ग्रुपिंग ऑल कॉलेज स्टूडेंट्स एंड प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट्स एंड ऑल, गैदरिंग अबाउट 5,000 समथिंग लाइक दैट.
and take them in a march to spread the awareness in the whole of the city. It means when they participate, they feel that it is my responsibility to do this job. That's why every youth should be taught in a disciplined way how to lead our life in an everyday span. If we do the practice in a well manner, it itself gives change to the our country. So that is happening in Mysore. Fortunately, Mysore is the place which got twice first place in cleaning. Wonderful. So our responsibility is more now. We have to do always, we should be more aware rather than other citizens. Keep the first place is always a challenge. We should take that. So now are you planning to step out of Mysore as well to cover the other cities? Yeah, as well? It is already, we are stepping out of Mysore and doing lot of activities around Mysore and all. In Karnataka, it is known fact. So we think that India is one. So it should change throughout the country. Mm. That's why I request all citizens of the country to change your mindset and do your duties. Mm. Always we ask for the rights. At the same time, do your duty. Every human kind should do their duties. It will change in development and other aspects also. एब्सोल्युटली बहुत आसान सी बात है. अगर हम अपना कर्म करेंगे तो हमें फल दिखेगा. आप तो रेगिस्तान में अगर हरियाली लाने की कोशिश कर रहे हो, बहुत ही चैलेंजेस सामने आते होंगे, बहुत मुश्किल होगा. हाँ, ये एक राजस्थान के बारे में तो ये है कि वहाँ पहाड़ और रेत की पहाड़ी पहाड़ हैं. बहुत ज़्यादातर वहाँ का हिस्सा जो है ऐसा ही है, तो वहाँ ये है चैलेंजिंग. लेकिन धीरे धीरे ऐसे ही लोग, ऐसे ही मानसिकता के लोग, ऐसे ही जिनमें ये पैशन है, जो प्रकृति से प्रेम करते हैं, जिनको जीवन के प्रति, जीवन के मूल्यों का जिनको ज्ञात है, जिनको जानकारी है, वो इस पे अब आगे बढ़ रहे हैं. और राजस्थान में ऐसे कई उदाहरण हैं इस वक्त कि पहाड़ों पे हरियाली है, रेत में हरियाली है, और विभाग भी कर रहे हैं इसमें. मेरा मानना है कि अब जागरूकता बढ़ रही है धीरे धीरे. दूसरा, इसको अगर सिलेबस का पार्ट बना दिया जाए बच्चों के लिए प्राइमरी स्टेज से ही, तो उन बच्चों के अंदर अवेयरनेस आ जाएगी और उनको ये रोज़ बताया जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो जो उनका ज्ञान है, जो उनकी मानसिकता है, वो आगे चल के बहुत काम आएगी. हमारा पीस ऑफ इंडिया का एक नेशनल एनजीओ है जिसके माध्यम से हम सफाई अभियान भी करते हैं, प्लांटेशन भी करते हैं, और हमारे से जुड़े हुए जो संस्था जुड़े लोगों को इंडिविजुअली इसमें अप्रिसिएशन भी हो रहे हैं. उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर अप्रिसिएशन मिल रही है, उनको सम्मानित भी किया गया, अवार्ड तक मिल रहे हैं उनको ऐसे कामों के लिए. तो मोटिवेट होते हैं लोग और निकल के फिर और एक दूसरे को देख कर सामने आते हैं. बिल्कुल. यू नो, वी टॉकिंग अबाउट द मोटिवेशन एंड दैट change in the attitude. So are you actually seeing in the change in the attitude, they're ready to accept the change, which is good for them and for the generations to come? Sure, but it's happening slowly because India is a heterogeneous country. Hmm. Here everybody's income is different. People having comfortable money and all, they think that it's a job of a poor or senani, swachata senani's job. This mindset has to go. We should think that in their own finance and all, it's a different, but day to day practices are different. I'm also a human being. I should be a part of the country's development. Bilkul. So that's why it is not the question connected with money and the place where I can stand. Whether you may be an officer, whether you may be a big politician, you may be an administrator, irrespective of the post and money, it is a duty of a human being. I should do that. That's why it is changing, but it is taking little more time because the mindset of whole country runs from so many decades and centuries. So they think that for this kind of job there are some set of people who only does the things. This has to be changed. If you see the other countries where everybody do their own work in their home. Absolutely. So no question of ego and practices. Such bad practices should go from our countries, each individuals. So that is happening because Modi is motivating the people, Honorable Prime Minister. He himself called for abhiyans. So it is taking place. It needs some more time to reach each and every corner of the country. Absolutely. But you're going in the right positive direction. It's not only for you. I think for
all the Indians, I would say the nation and the global world on that. Definitely. On that note, thank you so much for joining us. Bahut bahut shukriya. Jo baatein aapne ahem mujhe lagta hai kahin na kahin hum sab se judi hui hai. Ji. So behral bahut bahut shukriya aapka. Bahut bahut dhanyawad. तो चलो मैसूर राजस्थान सब आपको ले चलते हैं छत्तीसगढ़, जहाँ आईटीबीपी के जवान भी किस तरीके से छोटे बच्चों में और आम जनता में ये अवेयरनेस ला रहे हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को लेकर. आइए देखते हैं. माननीय प्रधानमंत्री.